जंक फूड, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इसे नहीं खाना है, लेकिन लालच ऐसा कि इसको खाए बिना रहा नहीं जाता। देश के किसी भी शहर गली में आप चले जाएं, आपको जंक फूड मिलेगा। कहीं गर्म तेल में उबलता हुआ समोसा और कचौड़ी है, तो कहीं पकौड़े हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज, जलेबी का नाम सुनते तो मुंह में पानी आ जाता है और आप मज़े से इसको खाते भी हैं। आजकल तो जंक फूड खाना आदत के साथ फैशन भी बन गया है, लेकिन ये जंक फूड कितना खतरनाक है इसे आप अच्छे से जानते हैं। फिर भी इसको आप खाते हैं, इंजॉय करते हैं, हर कोई खाता है, मैं भी यहाँ पर कभी कभी जंक फूड खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी और लगातार में काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी अंतर है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2023 की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो खपत है वो 2011 के बाद से लगभग 90% से ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि इन फूड पदार्थों की खुदरा बिक्री महामारी के दौरान धीमी हो गई थी, लेकिन बाद में वापस इसमें तेज़ी दर्ज हुई है। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कहा गया है जिस पर आइए हम विस्तार से बात करते हैं। खास मेहमान भी जुड़ गए हमारे साथ, अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी, दिव्या गांधी, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर विकास कपूर, GI एंड बैरियाट्रिक सर्जन NH गुरुग्राम, शिवांगी प्रिया एक टीनेजर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और शिवांगी, आप एक टीनेजर हैं और मुझे ऐसे पता चला है कि आप जंक फूड की बहुत शौकीन हैं, क्योंकि आज हमारा चर्चा का मुद्दा यही है। तो शिवांगी, मुझे बताइए कि आपकी जंक फूड खाने की आदत कैसी है, कितना आप दिन में जंक फूड खाती हैं, कितनी बार खाती हैं? मैम, इट डिपेंड्स कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ और मेरा डे कैसा था। तो मैं दिन भर में एक दो बार तो खा ही लेती हूँ जंक फूड। और जब हम जंक फूड की बात करते हैं शिवांगी, तो फिर आप क्या क्या खाती हैं उसमें? मतलब रोज आपकी समोसे, कचौड़ियाँ, पिज्जा होता है या दिन डिसाइडेड है किस दिन क्या खाना है? नहीं, डेली नहीं खाती हूँ मैं, या ऐसा दिन डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे कुछ वर्क के लिए बाहर गए, आउटडोर गए, या फिर कुछ वर्क था और बाहर खाने को नहीं था हमारे पास, तो या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हों तो फिर खा लेती हूँ मैं। अब ऐसे में मुझे ये बताइए कि आपका महीने का कितना ऑलमोस्ट खर्चा जंक फूड पर जाता होगा? ऑन एन एवरेज में देखा जाए तो ऐसे 100 to 1500 तो हो ही जाता होगा मिनिमम। चलिए, और आप पढ़ाई करती हैं शिवांगी? जी, मैं स्टूडेंट हूँ अभी, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रही हूँ और ऐसे BEd। में जब भी आप, मेरे ख्याल से जब कॉलेज वगैरह जाती होंगी तो वहाँ आपका खाना पीना होता होगा। जी, जैसे मैं अगर कॉलेज गई और वहाँ पे अगर लंच नहीं ले पाई या फिर वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हूँ तो फिर जो भी मुझे दिखा या जो भी बाहर गई तो स्मेल जैसे अट्रैक्ट करता है या फिर कुछ दिख गया तो मन कर जाता है, क्रेविंग्स हो जाती हैं, तो फिर उस टाइम कोई पे हेल्थ रोक नहीं प्रॉब्लम? पाती हूँ मैं तो। ओके शिवांगी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको आती भी नहीं दिखाई दी आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से? जी, मुझे दिखाई दी, अच्छा थोड़ा वेट बढ़ा है मेरा, अच्छा वेट इंक्रीज हुआ है मेरा थोड़ा, और हाँ थोड़ा लेजनेस भी आ जाता है अच्छा कभी अगर मैं खा लेती हूँ जंक फूड तो ज्यादा वैसा हो जाए। तो थोड़ी सी फुर्ती आपकी कम हो जाती है, आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, थोड़ा सा आलस आपका बढ़ जाता है, तो इसको जानने के बाद कि आपने कुछ कम करने के लिए कदम उठाए? जी, जैसे मैं पहले क्या था कि मैं डेली ही खा लेती थी या फिर कभी शाम में मैं घूमने गई तो मन किया तो खा लिया या फिर कुछ दिख गया तो मैं नहीं रोक पाती थी, मैं खा लेती थी, बट अब जैसे मेरा वेट पुट ऑन हो गया है और तो फिर मैं अब उसे कम कर रही हूँ। अब मैं डेली बेसिस पे ऐसे नहीं खाती हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा कभी अगर नीड होता है, या जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ तो अगर वहाँ पे लंच नहीं ले ले गई या फिर किसी के साथ घूमने गई या फिर कुछ जैसे पार्टी वगैरह होता है तो मैं उस टाइम खाती हूँ। राइट दिव्या,
शिवांगी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शिवांगी तो खैर एक टीनेजर हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो बाहर का इनका खाना गाहे बगाहे हो ही जाता है, पहले लगातार होता था, अभी कह रही हैं कि उन्होंने कम कर दिया है। लेकिन केवल एक टीनेजर नहीं, हम यहाँ पे किसी भी उम्र के शख्स को देखें तो जंक फूड उनका कम से कम हफ्ते में 4 बार तो हो ही जाता है, और बच्चों में भी हम देख रहे हैं तादाद बढ़ रही है, माता पिता खुद बच्चों को जो है वो जंक फूड देना उससे एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो ओवरऑल जो जंक फूड का कल्चर है और जिस तरह से रिपोर्ट भी देखी जा रही है तीव्रता से बढ़ रहा है हमारे देश में, एक तरफ दिव्या हम देख रहे हैं कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है अक्रॉस एज ग्रुप्स। जी, उसका सबसे बड़ा रीजन कविता क्या है कि बहुत क्विक है और बहुत चीप है। अगर आप 90% ऑफ पेरेंट्स दे आर वर्किंग, तो वो क्या करते हैं, उन्हें प्रॉपर मसाले बना के या रोटी सब्जी बनाने का नहीं मन करता, उनको लगता है कि हमने एक पैकेट खोला और हमने उसको बनाया और खा लिया। एंड सेम गोज फॉर किड्स, किड्स को आजकल फैंसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, दे डोंट लाइक दैट बोरिंग रोटी सब्जी, व्हाट दे वांट, कभी उन्हें पास्ता चाहिए, कभी उन्हें पिज्जा चाहिए, टिफिन में भी। एंड इससे क्या होता है कविता, हमारी हैबिट चेंज हो जाती है, आपको दिन में एक ना एक टेस्टी मील जरूर चाहिए होगी, और बच्चों के लिए टेस्टी मील वही होती है जो जंक होती है, जो अनहेल्दी होता है। अगर हम देखें इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि हम प्लान नहीं करते हैं। अगर हर इंडिविजुअल अपने डे को प्लान करके चलेगा कि मुझे नाश्ते में ये खाना है, लंच में ये खाना है, इवनिंग में ये खाना है और डिनर में ये खाना है, एंड सेम गोज फॉर द एंटायर फैमिली, उससे आपका कंजम्पशन अपने आप कट हो जाएगा। अगर आप एब्रप्टली अपना दिन स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो हाथ में आएगा वो मैं खा लूंगी, तो आप उस फूड की तरफ जाएंगे जो कि क्विक होगा और इजी होगा। साथ में जो जंक फूड होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें प्लेजर भी देता है। आजकल बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड और बड़ों को काम से रिलेटेड एंजाइटी और स्ट्रेस तो रहता ही है। जब हम जंक फूड खाते हैं तो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्लेजर, उस प्लेजर की वजह से क्या होता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रोटी सब्जी लुक्स वेरी मोनोटोनस, सो इंटरेस्टिंग खाने के लिए हम जंक फूड खा रहे हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ जंक फूड है, मार्केट में आजकल हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट हम उनको क्यों पिक नहीं करते हैं, बिकॉज नंबर वन वो थोड़े से कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। आप अगर कहीं सैलड लेंगे तो आपको पर सैलड 500 रुपीज पड़ेगा, अगर आप बर्गर खाएंगे तो आपको 50 रुपीज में बर्गर भी मिल जाएगा। और सेकेंड चीज, जो सैलड है वो हमें च्यू करके खाना है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम 15 या 20 मिनट या आधा घंटा बैठ के अपनी मील खत्म करें, बिकॉज लाइफ स्टाइल इज वेरी फास्ट, हर किसी के पास टाइम कम है, हमें फटाफट खाना खाना है, एंड वी नीड टू गेट बैक टू वर्क, और किड्स दे नीड गेट बैक टू देयर ट्यूशंस। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काफी बड़ा योगदान देती हैं कि जंक फूड का कंजम्पशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, यहाँ पर लोगों के पास समय की कमी और जो ईज़ होता है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो पैटर्न है उसमें बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों के खान पान में। और ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें, वो अनहेल्दी डाइट की वजह से साफ तौर से उसके असर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर विकास, जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो काफ़ी चिंताजनक है, बट ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ नया डेटा होगा। मुझे ये बताइए किस तरह से जंक फूड घातक हो सकता है, एक तो आप कभी कभार खा रहे हैं और अगर आप लगातार उसे खा रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि अब भारतीय भी जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे दिव्या ने भी समझाया कि दिन में कम से कम एक मील तो हो ही जाती है या एक आइटम ऐसा हो ही जाता है जो ऑयली होता है, ज़्यादा मीठा होता है, चॉकलेट और शुगर कन्फेक्शनरीज की हम देख रहे हैं बिक्री भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो कौन सा स्तर है जिस पर पहुँचने के बाद जंक फूड आपकी सेहत के लिए घातक हो सकता है, डॉक्टर विकास? सो आपने बहुत सही कहा कि शुगर्स जो हैं, सोडास हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनका कंजम्पशन भी ऑफ लेट बढ़ गया है। एंड आई बिलीव स्विगी और जोमेटो जैसे अगर प्लेटफॉर्म्स रहते हैं एंड द फूड इज जस्ट अ क्लिक अवे, सो जंक फूड इज ऑर्डर्ड मोर। एंड व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली इज चाइल्डहुड ओबेसिटी का बहुत ज्यादा एस्केलेशन हुआ है इन पास्ट 10 to 15 years। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है तो हमारा
ओबेसिटी के साथ एनकाउंटर भी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन बिगर सिटीज। सो द प्रॉब्लम इज जंक फूड, जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज बेसिकली लिवर टेक्स कंट्रोल ऑफ थिंग्स एंड द पैनक्रियाज। सो जैसे जैसे हमारी ओबेसिटी बढ़ती है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाती है और लिवर की इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाती है। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 months टू डिटॉक्सिफाई आर लिवर एंड पैनक्रियास। सो बिकॉज जाके फैट के फॉर्म में वो लिवर में सेटल हो जाती है। सो ऑफ कोर्स दिस हैज बिकम अ मेनेस, एंड देन ओबेसिटी इज ऑलवेज अ चैलेंज। पीपल ट्राई टू लूज वेट थोड़े समय के लिए, 10, 15, 20 days दे ट्राई, देन दे फील वीक, देन दे गो बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन एंड देन दे गेन डबल द अमाउंट ऑफ वेट व्हाट दे हैड लॉस्ट। जितना उन्होंने लूज किया है, अगर उन्होंने 2 kg लूज किया है और 15-20 दिन के बाद वो डाइटिंग खत्म करते हैं, तो उनका जो नॉर्मल वेट पहले कांस्टेंट एक लेवल पे था, अब बढ़कर वो डबल हो जाएगा, उस पे जाके सैचुरेट करेगा। सो एज अ सोसाइटी वी नीड टू डू समथिंग कि जंक फूड और बच्चों का जो टेस्ट बड्स का मतलब जो क्रेविंग है, उसको किसी तरह हम खत्म करें और हेल्दी फूड को इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल, यहाँ पे केवल हेल्थ की ही बात नहीं हो रही है। अमित, मुझे ये बताइए कि जो डेटा सामने आया है, ऑन एन एवरेज हमारी जो खान पान की आदतें और लाइफस्टाइल में जो बदलाव हुए हैं, क्योंकि देखिए लोगों के पास अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो वो कहीं तो उसे खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? अपने शौक पे खर्च करेंगे। रहना, खाना पीना, उठना बैठना, इसी में ही आपका पैसा जाएगा। जब खाने पीने की बात आती है तो ऑन एन एवरेज अगर आपने कोई रिसर्च कर रखी है तो बताइए कि जंक फूड फूड पर या बाहर जाकर खाने पीने में ही लोग कितना खर्च कर लेते हैं ऑन एन एवरेज? देखिए कविता, ये जो लाइफस्टाइल चेंज है, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के, तो उसमें ईटिंग आउट का एक बजट होता है, डाइनिंग आउट का एक बजट होता है, ऑर्डर इन का एक बजट होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है। इनवेरिएबली जो एक्सपेंसेस इन कैटेगरीज में बार बार आते हैं और जिनका नंबर विद टाइम बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन फैक्टर, वो फूड आइटम्स ही होते हैं। पिज्जाज, ऑल दी अदर इटालियन फूड ऑप्शंस और चाइनीज फूड ऑप्शंस और एनी अदर इंडियन जंक फूड ऑप्शंस, दे इनवेरिएबली कम इन। तो ये एक नंबर है जिसमें एक राइजिंग पैटर्न दिख रहा है फॉर द रीजंस दैट दिव्या मैम कॉल्ड आउट और डॉक्टर विकास हैज कॉल्ड आउट, एंड देर इज एन ऑब्जर्वेशन दैट ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी ऑब्जर्वेशन है जो इसके विपरीत है कि जो सीजनड या न्यूट्रिशन प्लान कॉन्शियस लोग हैं, उनका बजट तो बढ़ रहा है, उनके एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस बना लिया है। तो वो सप्लीमेंट्स पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो अपनी फिटनेस पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो अपने डाइट को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा स्पेंड करते हैं, उनके भी बजट्स बढ़ रहे हैं। बट एट वन एंड, वाइल यंगर जनरेशन इज मोर प्रोन टू ईट दिस काइंड ऑफ फूड, दी ओल्डर जनरेशन और मिडिल एज पीपल हैव बिकम सडनली मोर कॉन्शियस अबाउट ऑफ देयर हेल्थ एंड दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। सो हमारे पास दोनों साइड की स्टोरीज हैं और दोनों तरफ की एविडेंसेस। थोड़ा सा और हेल्थ की ओर चर्चा को लेके जाते हैं और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आपको इसकी बजटिंग भी करनी चाहिए। लेकिन सब सेहत सबसे पहले है। सेहत आपकी सही है तो बाकी सब आराम से किया जा सकता है। तो दिव्या, कैसे वो पैटर्न्स पकड़े आप अपने आप में जब आपको ये रियलाइज हो कि आपको जंक फूड का एडिक्शन हो गया है? क्योंकि हम लगातार जंक फूड खाने वाले लोग और उस पर पड़ रहे उनकी सेहत पर प्रभाव जो है उस पर बात कर रहे हैं, तो अनजाने में हम खाते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें उसका एडिक्शन हो जाता है क्योंकि ना जुबान पे स्वाद लग जाता है और इसी स्वाद को हमें पहचानना है और रोकना है। क्या है वो सिंबल्स? देखिए, सबसे पहली चीज मिडनाइट क्रेविंग्स। जो लोग अपना डिनर करने के बाद रात को कुछ क्रेव करते हैं दैट डज नॉट सेटिस्फाई, वो भुने हुए चने से या फ्रूट से खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट साइन कि आप अनहेल्दी ईटिंग में जा रहे हैं। सेकेंड चीज, बहुत लोग हैं जिनको सुबह के टाइम भूख नहीं लगती। आप मुझे ब्रेकफास्ट मत दो, आप मुझे डिनर दे दो। जिस टाइम आपकी भूख मरनी शुरू हो जाती है मॉर्निंग की, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको रात को क्रेविंग होगी, आपको दिन में एक ग्लास दूध से भी यू गेट सैटिस्फाइड।
मीन्स आप टूवर्ड्स ओबेसिटी जा रहे हैं. ऐसे लोगों को रात को जंक फूड, मीठा या एरेटेड ड्रिंक्स, इसी चीज की क्रेविंग होती है. साथ में सबसे बड़ी चीज, अगर आप देखते हैं, आप अपना वेट मॉनिटर करते हैं तो आपका जो वेट है वो दिन पर दिन अगर बढ़ता जा रहा है, इट्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग साइज, तो दैट इज अनदर सिम्टम. लास्ट इज द पिगमेंटेशन. आप देखेंगे कि बच्चा बचपन में गोरा है, बड़े होते होते अलग से पैचेस आ जाते हैं ऑन स्किन एंड नेक. दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मीन्स कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स ओबेसिटी. दे कैन ईदर बी टाइप 2 डायबिटीज और पीसीओडी और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं भूख और प्यास में. अगर आप पानी नहीं पिएंगे, जो लोग पानी नहीं पीते, पूरा दिन प्यास नहीं लग रही है, मतलब दैट यू विल टेंड टू ओवर ईट बाय द टाइम इट इज इवनिंग. सो अगर आप इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं, नोट करते हैं, सो दैट इज द फर्स्ट साइन दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स ओबेसिटी. चलिए चर्चा को और आगे लेकर जाते हैं. और जो लोगों को ओबेसिटी हो चुकी है डॉक्टर विकास, अब अगर आप डायग्नोस हो चुके हैं ऑलरेडी, किस तरह से अब छुटकारा पाया जाए, किस तरह से आपको लगता है कि एक ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए? ओबेसिटी की एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए कि okay. आपको तो अपना बीएमआई कैलकुलेट करना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला रहता है. और अगर आपका बीएमआई 27.5 से ऊपर जा रहा है, इंडियंस और एशियंस का बेसिकली, सो यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स मॉर्बिड ओबेसिटी. सी, ओबेसिटी टू सम लेवल इज ऑल राइट, बट व्हेन यू बिकम, वंस यू बिकम मॉर्बिडली ओबेस, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो सी, हम लोग अगर किसी को 32.5 बीएमआई है और उसके साथ दो कोमोबिडिटीज हैं, मतलब या तो ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, नीज का इशू है, स्पाइन का इशू है, तो वो दे आर कैंडिडेट्स जिनकी हम सर्जरी करते हैं. सो अदरवाइज हम 37.5 बीएमआई एंड बियॉन्ड पे अगर कोई भी कोमोबिडिटी नहीं है तो ये वाले पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है. और बहुत मेजर चंक है जिनको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है. That 27.5 BMI से 32.5 BMI के बीच के जो लोग हैं, उनको हर तरह से अपना वेट लॉस करने की कोशिश करनी चाहिए. सो दे हैव टू कट डाउन ऑन से रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड यू नो ज्यादा प्रोटीन खाएं. सो अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो वी विल फील कि हम ज्यादा फुल हैं और हमें एपेटाइट थोड़ा कम है. तो दैट इज हाउ. एंड दिव्या ने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा कि जब भी भूख लगे पहले यू शुड ड्रिंक वाटर, दो ग्लास पानी पी लीजिए. अगर फिर भी भूख आपको लग गई है तो खाने को की शुरुआत कीजिए, अदरवाइज यू कैन, इफ यू कैन अवॉइड, यू शुड अवॉइड. और हमेशा घर में जैसे यूटेंसिल्स हैं, हम बहुत बड़े यू नो फुल प्लेट्स यूज करते हैं, उनकी जगह क्वार्टर प्लेट्स यूज करेंगे. यूटेंसिल्स ऐसे यूज करें कि जिससे आपको याद रहे कि मुझे कम खाना है. ज्यादा खाना इज एन अचीवमेंट. मैं ये भी कहता हूँ कई पेशेंट्स को, एंजॉय द प्लेयर ऑफ बीइंग हंग्री. तो थोड़ा भूखे रहना इज ऑल्सो यू नो यू फील लाइट, यू फील मोर एजाइल, तो बहुत अच्छा लगता है आपको. सो बट वी डोंट वॉन्ट, वी वॉन्ट कि बहुत सभी पेशेंट्स को तो नहीं ऑपरेट करना चाहिए, तो मतलब हमें सोशली ऐसा करें कि हमारा ओबेसिटी लेवल्स कम आने लगे. सो हमें बीएमआई का अवेयरनेस बचपन से इनकलकेट करना चाहिए. हमें वेट अपना चेक करना रेगुलरली चाहिए, एटलीस्ट वंस अ वीक, कि मैं किस तरफ, मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है, तो देन यू कैन कीप एन आई ऑन इट. स्पेशली जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं और यू नो जिनको डायबिटीज स्टार्ट हुआ है, तो दे हैव टू बी मोर पर्टिकुलरली, मतलब मोर केयरफुल अबाउट यू नो लूजिंग वेट. तो दिव्या, ऐसे में फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह कितना काम आता है? आप रात को ना खाएं और सुबह 6 घंटे ना खाएं, 10 घंटे ना खाएं, जो लोग करते आए हैं. मैं पर्सनली कविता इसके फेवर में नहीं हूँ. इंटरमिटेंट फास्टिंग आस्क यू टू फास्ट फॉर 16 आवर्स, यू आर ईटिंग इन 8 आवर्स. सबसे पहली चीज, आप जब इतना लंबा फास्ट करेंगे, आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो ट्रैश कर जाएगा. ये उन लोगों के लिए है जो बहुत डिसिप्लिन है, जो टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, एंड दे कैन फॉलो दिस रूटीन फॉर एवर.
अगर आप ये सोचे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना चाहते हैं, राइट, और उसके बाद वेट लॉस के बाद यू वांट टू गेट बैक टू योर ओन ओल्ड टाइमिंग्स, मींस आपका गेन भी जल्दी होगा और वो गेन होने के बाद वेट लॉस भी नहीं होगा। आपका जो डाइट है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए आपके वर्किंग आवर्स के हिसाब से, आपके स्लीपिंग आवर्स के हिसाब से। सेइंग दैट डज नॉट मीन कि बहुत लेट खाना है। रात के टाइम आप खा सकते हैं, सोने से 4 घंटे पहले खाइए, और अपना डिनर का मील लाइट से लाइट रखिए ताकि आप जब सोएं आपको एसिडिटी ना हो, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और आप ओबेसिटी की तरफ ना जाएं। ऑल राइट। और अमित, ऐसे में फाइनेंसेस में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करनी होगी? फाइनेंसेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग कविता। व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। जो इन्वेस्टिंग होती है वो आपको उस स्टेज पे ले जाती है कि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो आपको उस स्टेज पे ले जाती है कि आपका वो पैसा खत्म हो गया है जो आपके लिए काम कर सकता है। तो फास्टिंग ऑन एक्सपेंडिचर साइड इज रिकमेंडेड, बट फास्टिंग ऑन इन्वेस्टिंग साइड इज नॉट रिकमेंडेड। तो वैसे में अमित, क्या नुस्खे आप देना चाहेंगे जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपकी जो ईटिंग आउट की बकेट है वो भरती हुई दिखाई दे रही है और पानी छलक रहा है उसमें से? जी, बहुत सिंपल है। मैं आपका एक दूसरे शो का एक टर्म यूज करना चाहता हूँ, निवेश का गुरु मंत्र। तो मैं एक निवेश का गुरु मंत्र शेयर करूंगा यहाँ पे। अगर आप 1,000 रुपए हर महीने सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 12% पर ईयर से ग्रो होता है, तो वो 1,000 रुपए 500 टाइम्स हो सकता है 15 साल में, अगर आप 15 साल तक वो 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें। मतलब कि 1,000 रुपए 500 टाइम्स विल बिकम योर 5 लाख। और अगर वो 1,000 रुपए 20 साल आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका 1,000 टाइम्स बन सकता है, मतलब कि 10 लाख। तो मैं बहुत सिंपल प्रिंसिपल बोलता हूँ, 500 टाइम्स और 1,000 टाइम्स ऑफ योर मंथली इन्वेस्टमेंट इन 15 साल या फिर 20 साल। तो अगर आप 25 साल के हैं और आप 10,000 रुपये अपने ये जंक फूड से या अपने ईटिंग को रिफाइन करके हेल्दी लाइफस्टाइल बना के सेव कर सकते हैं, और इस 10,000 रुपये को आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 50 लाख बन सकते हैं। और अगर आप 20 साल के लिए कर सकते हैं तो वो 1 करोड़ बन सकते हैं। 1 करोड़ अक्यूमुलेट कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल से, और उसके बाद उस 1 करोड़ को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के भरोसे छोड़ दीजिए। वो हर 6 साल में 7 साल में डबल होगा। तो जब तक आप 50 के होंगे, 52 के होंगे, आपके पास ऑलरेडी 4 करोड़ जमा हो जाए। तो पहला करोड़ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्ड करने के लिए कोशिश कीजिए, और उसके बाद लेट फाइनेंशियल सर्विसेज डू द मैजिक फॉर यू। लेकिन भले ही हेल्थ की बात हो या फाइनेंशियल हेल्थ की बात हो, डिसिप्लिन और सही समझ बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने ये शो भी आपके लिए हम लेकर आए, जहाँ पर जंक फूड की को ईटिंग हैबिट्स के तौर पर अगर हम देखें तो ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर ना समझें तो आपकी हेल्थ और आपकी जो फाइनेंसेस हैं, जो आपके खर्च हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ सकते। इसीलिए जागरूकता के लिहाज से ये शो जो आपकी सेहत और आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की सेहत का ख्याल रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।